नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरा खुद का ग्रेजुएशन का जर्नी शेयर करूंगा। कैसे मैंने 5.9 से लेकर गोल्ड मेडल हासिल किया, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ खुलकर डिस्कस करूंगा, ताकि आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके या फिर आपको कुछ इंस्पिरेशन मिल सके। देखिए, मैंने 2014 में अपना HS कंप्लीट किया विवेकानंद जूनियर कॉलेज से। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया NCPAL मेमोरियल कॉलेज में, और मैंने अकाउंटेंसी ऑनर्स में अपना ग्रेजुएशन का पढ़ाई स्टार्ट किया। फर्स्ट सेम में मेरा रिजल्ट उतना खास नहीं हुआ, मुझे लगता था HS में मुझे 88% मिल चुका है तो ग्रेजुएशन में भी मुझे आराम से मार्क्स मिल जाएगा। इसलिए फर्स्ट सेम में मेरा जो एफर्ट था वो 100% नहीं था, जिसका रिजल्ट मुझे फर्स्ट सेम में ही मिल गया। जब फर्स्ट सेम का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो मेरा मार्कशीट में सिर्फ 5.9 CGPA था, जो देख के मैं लिटरली शॉक हो गया। मुझे पता था कि मेरा प्रिपरेशन खराब हुआ है, लेकिन इतना भी खराब प्रिपरेशन नहीं हुआ है। फिर मैंने रिचेक दिया और रिचेक में मेरा आया 6.6 CGPA, लेकिन उस समय मैं टॉप 10 में भी नहीं था, गोल्ड मेडल का लिस्ट में टॉप 10 में भी मैं नहीं था। फिर मैंने रियलाइज किया कि सेकेंड सेम से मुझे अच्छा से पढ़ना होगा, नहीं तो मेरा गोल्ड मेडल का सपना अधूरा रह जाएगा। फिर मैंने सेकेंड सेम से अपना पढ़ाई अच्छा से स्टार्ट किया, मैंने फुल कंसंट्रेशन दिया, फुल फोकस किया, जिसका रिजल्ट मुझे सेकेंड सेम में कुछ हद तक मिल गया। सेकेंड सेम में मुझे 7.2 CGPA मिला था। 7.2 CGPA मिलने के बाद भी मैं तब भी टॉप 10 में भी नहीं था, मेरा पोजीशन उतना अच्छा नहीं था। मेरा लाइफ में सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट आया, या फिर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया थर्ड सेम में। थर्ड सेम में मुझे अपना करियर का सबसे ज़्यादा मार्क्स मिला, वो है 8.8 CGPA, और उस 8.8 CGPA ने मुझे टॉप 3 में लाके खड़ा कर दिया। फिर आया फोर्थ सेम, फोर्थ सेम में मुझे स्टेटिस्टिक्स में 49 मिला आउट ऑफ 50, और मेरा CGPA था 8.21, और उस 8.21 CGPA के कारण मैं उस वक्त टॉप 1 में आ गया। ठीक है, गोल्ड मेडल लिस्ट में मैं उस वक्त टॉप 1 में आ गया। फिर फिफ्थ सेम में मेरा एग्जाम उतना अच्छा नहीं हुआ, मेरा खुद का कुछ पर्सनल रीजन था, मेरा प्रिपरेशन में भी कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए मैं उस सेम मेरा उतना अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ, मेरा सिर्फ 7.33 CGPA आया था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरा आखिरी सेम है, मुझे किसी भी हालत में मेडल चाहिए, क्योंकि मेरा इतना दिन का सपना है, ऑलरेडी मेरा एक सपना टूट चुका है HS में, और सपना जब टूटता है तो उसका दुख जो है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे किसी भी हालत में मेडल चाहिए ही चाहिए। फिर मैंने कैलकुलेट किया कि मुझे मेडल पाने के लिए 6 सेम में कितना मार्क्स स्कोर करना होगा। मैंने देखा कि अगर मुझे 6 सेम में 7.6 CGPA मिल जाता है तो मेरा गोल्ड मेडल पक्का है, तो उस हिसाब से मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। और जब रिजल्ट आखिर में डिक्लेयर हुआ तो मैंने देखा कि मुझे 8.5 CGPA मिला, और ओवरऑल मुझे 7.81 CGPA मिला। उस वक्त मुझे जो खुशी मिला मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप कोई भी सपना जो आप इतने दिनों से देखते आ रहे वो जब पूरा होता है उसका खुशी कुछ अलग ही होता है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ करूंगा, और फिर मैंने अपना टीचिंग को एज करियर स्टार्ट किया, और मैं आज मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। मैं आशा करता हूँ आज इस वीडियो में मैंने अपना जो जर्नी आप लोगों से शेयर किया, आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिला होगा। और मैं एक ही बात कहूँगा इस वीडियो में, अगर आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे और अगर आपका इरादा सच्चा होगा तो आपको एट द एंड ऑफ द डे सक्सेस मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो।